हाय फ्रेंड्स, आई एम कोसर एंड यू आर वॉचिंग कोसर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो है NIUS के स्टूडेंट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि NIUS में 10th क्लास में भी इकोनॉमिक्स है और 12th क्लास में भी इकोनॉमिक्स है। तो 12th क्लास के इकोनॉमिक्स के लिए तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, बट 10th क्लास के इकोनॉमिक्स के लिए स्टूडेंट को क्वेश्चन नहीं मिल पाते। तो यहाँ पर जो मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, ये देखिए आपका ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है और ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर भी टिक लगाया हुआ है, वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये इस तरीके से आपका इसका पेपर आता है, तो आप यहां से इसको देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां पर ये जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहां पर मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपके साथ शेयर करने चाहिए। तो ये आपके मुझे लग रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर में रिपीट हुए हैं। जो ये बैटर सिस्टम वाला क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और आपके बाकी देखिए, जिस पर टिक नहीं लग रहा है वो क्वेश्चन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने जिस पर टिक लगाया हुआ है आप उसको क्वेश्चन को उनको ही करिएगा। तो यहाँ पर हैं आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बेल आइकन होगा, उसको दबा दीजिए ताकि सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। बाकी फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। ये देखिए यहाँ पर ये वाला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको जरूर करके जाना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर है एक्सप्लेन मैक्रो इकोनॉमिक्स विद एग्जांपल और माइक्रो। दोनों में या तो आप डिफरेंस अगर याद कर लेते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के इनके बीच का अगर डिफरेंस याद कर लेंगे और आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है, तो आप इजिली भी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। दो क्वेश्चन एक ही उसमें याद हो जाएंगे, डिफरेंस अगर आपने याद कर लिया। तो जिन पर टिक नहीं है उनको आपको ये नहीं करना है, ये टिक का है जिसमें उसको करना है। यहाँ पर गुड्स और सर्विस के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। और यहाँ पर इकोनॉमी क्या है वो बताना है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है ये आपको बताना है। देन उसके बाद में बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने चाहिए। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ये 50 पेजेस का आपका PDF है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये छोटे छोटे पेजेस, मतलब एक क्वेश्चन भी छोटा सा भी एक पेज पूरा बनना, ये देख सकते हैं आप, पूरा एक पेज बनना है छोटे से क्वेश्चन पे, एक छोटी सी डेफिनेशन पे, है ना। तो इसलिए ये 50 पेजेस का हो गया है, अदरवाइज यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं। आपके जो आप अप्रैल में एग्ज़ाम देने वाले हो चाहें, तो चाहे आपके एग्ज़ाम जो है अक्टूबर नवंबर में हो, फ्रेंड जब तक आपका सिलेबस सेम रहेगा, ये वाले जो टॉपिक मैंने यहाँ पर कवर कराए हैं वो आपके लिए जब तक सेम रहेंगे, मतलब इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप ऑन डिमांड की तैयारी कर रहे हो चाहें, तो ऑन डिमांड के लिए भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ऑन डिमांड में अलग से क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑन डिमांड से भी फ्रेंड्स आपके सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं आता। तो आपको यहाँ से आप इनकी तैयारी कर सकते हो। डिफाइन मार्केट, फ्री एंट्री, ये वाले आपके हैं इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर है डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोपोली मार्केट एंड कॉम्पिटेटिव मार्केट, यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट है। और आपका है ये, इनके बीच में डिफरेंस पूछा गया है आपसे, बताना है आपको। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आपके यहाँ पर ये हैं, व्हाट आर द मेन डीमेरिट्स ऑफ बार्टर सिस्टम, ठीक है। मतलब डीमेरिट्स इसकी बुराइयाँ क्या हैं, बार्टर सिस्टम की बुराइयाँ क्या हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ये हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फंक्शन ऑफ मनी बैंक, ये फंक्शन ऑफ बैंक वाला भी इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद में व्हाट इज़ क्रेडिट, जिसमें मैंने पेंसिल से टिक किया हुआ है और पेन से जिस पर टिक है क्वेश्चन पर, वो आपने करने हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। ये मत सोचिएगा बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको ज़रूर करने हैं। तो एंड आपका है इस क्वेश्चन है डेवलपमेंट एंड बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और आपके हैं इंपॉर्टेंट, देखिए ये क्वेश्चन आपका है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ द एनवायरनमेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन सबको करिएगा जरूर। एंड व्हाई देयर इज़ अ नीड फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको जरूर करके जाइएगा कि आपके कंज्यूमर की अवेयरनेस यानी कि जानकारी है, कंज्यूमर को जानकारी होनी चाहिए, उसकी ज़रूरत होनी चाहिए, क्यों होती है, ठीक है। अगर कंज्यूमर को भी अगर जानकारी नहीं होगी किसी चीज़ की, तो वो गलत सामान लेकर आ जाएगा, ठीक है। या फिर डिस्कस इन ब्रीफ द राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर इन इंडिया, ठीक है, आपको कंज्यूमर के राइट्स के बारे में भी आ सकता है क्वेश्चन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये आपके मुझे इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए वीडियो बना दी। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं, आप चाहें तो इससे यहाँ से PDF भी ले सकते हैं।
मतलब ये वाली पीडीएफ से तैयारी कर सकते हैं। अदरवाइज इसका जो पीडीएफ है, इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसकी स्टडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपके लिए पीडीएफ बनाया है, तो आप अगर चाहें तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, इससे और दूसरे स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी, उनको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।